आज देश के वो प्रेरणा देने वाले ऐसे सात महानुभावों का भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने समय निकाला और आपके खुद के अनुभवों को बताया। आपने फिटनेस के भिन्न भिन्न आयामों पर खुद के जो अनुभव शेयर किए, वो निश्चित रूप से देश की हर पीढ़ी को बहुत ही लाभकारी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज का ये डिस्कशन हर आयु वर्ग के लिए और भिन्न भिन्न रुचि रखने वालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। फिट इंडिया मूवमेंट की फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैं सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। एक साल के भीतर भीतर ये फिटनेस मूवमेंट मूवमेंट ऑफ पीपल भी बन चुका है और मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बन चुका है। देश में हेल्थ और फिटनेस को लेकर निरंतर अवेयरनेस में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और एक एक्टिवनेस भी बढ़ी है। मुझे खुशी है कि योग, आसन, व्यायाम, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, हेल्दी फूड हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल अब ये हमारी नेचुरल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन रहा है। साथियों, फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना एक साल एक ऐसे समय में पूरा किया है जिसमें करीब करीब 6 महीने अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन के बीच हमें गुजारा करना पड़ा है, लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, मैं दोबारा सुनाता हूं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, कराटे हो या कबड्डी, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। अभी हमने देखा, युवा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर फिटनेस प्रोटोकॉल भी जारी किया है। साथियों, आज दुनिया भर में फिटनेस को लेकर जागरूकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ, उसको एक प्रारूप दिया है और प्रचारित किया है। फिजिकल एक्टिविटी पर ग्लोबल रिकमेंडेशन भी जारी किए हैं। आज दुनिया के अनेक देशों ने फिटनेस को लेकर नए लक्ष्य बनाए हैं और उन पर अनेक मोर्चों पर वो काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे अनेक देशों में इस समय बड़े पैमाने पर फिटनेस का अभियान चल रहा है और उनके ज्यादा से ज्यादा नागरिक डेली फिजिकल एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज के रूटीन से जुड़े। साथियों, हमारे आयुर्विज्ञान शास्त्रों में कहा गया है, सर्व प्राणी भृताम नित्यम आयुः युक्तिम अपेक्षते, देवे पुरुषाकारे च स्थितम ही
अश्य बलाबलम अर्थात संसार में श्रम, सफलता, भाग्य सब कुछ आरोग्य पर, हेल्थ पर ही निर्भर करता है। स्वास्थ्य है तभी भाग्य है, तभी सफलता है। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो खुद को फिट और मजबूत रखते हैं, एक भावना जागती है कि हां हम स्वयं के निर्माता हैं, एक आत्मविश्वास आता है। व्यक्ति का यही आत्मविश्वास उसको जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भी सफलता दिलाता है। यही बात परिवार, समाज और देश पर भी लागू है। एक परिवार जो एक साथ खेलता है, एक साथ फिट भी रहता है। अ फैमिली दैट प्लेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। इस महामारी के दौरान कई परिवारों ने यह एक्सपेरिमेंट करके देखा है, साथ में खेले, साथ में योग प्राणायाम किया, एक्सरसाइज की, मिलकर पसीना बहाया। अनुभव यह आया कि यह फिजिकल फिटनेस के लिए तो उपयोगी बना ही, लेकिन उसका एक और बाय प्रोडक्ट के रूप में इमोशनल बॉन्डिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन, ऐसी अनेक बातें भी परिवार की एक ताकत बन गई, सहजता से उभर करके आई। आमतौर ये भी देखने में आता है कि कोई भी अच्छी आदत होती है उसे हमारे माता पिता ही हमें सिखाते हैं, लेकिन फिटनेस के मामले में अब थोड़ा उल्टा हो रहा है। अब युवा ही इनिशिएटिव ले रहे हैं और माता पिता को भी एक्सरसाइज करने, खेलने के लिए मोटिवेट करते हैं। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये संदेश स्पिरिचुअली और सोशली तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके और भी गहरे निहितार्थ भी जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसका एक ये भी मतलब है कि हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ए साउंड माइंड इज इन ए साउंड बॉडी, इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जब हमारा मन चंगा होता है, स्वस्थ होता है, तो ही शरीर भी स्वस्थ रहता है। और अभी चर्चा में आया था कि मन स्वस्थ को स्वस्थ रखने के लिए एक अप्रोच है मन को विस्तार देना, संकुचित मैं से आगे बढ़कर जब व्यक्ति, परिवार, समाज और देश को अपना ही विस्तार मानता है, उनके लिए काम करता है, तो उसमें एक आत्मविश्वास आता है। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए ये एक बड़ी जड़ी बूटी का काम करता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, एक्सपांशन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ। आजकल लोगों से, समाज से, देश से जुड़ने और जुड़े रहने के लिए तरीकों की, माध्यमों की कमी तो बिल्कुल नहीं है, भरपूर अवसर है। और प्रेरणा के लिए हमारे आसपास भी कई उदाहरण मिल जाएंगे। आज जिन सात महानुभावों को सुना, इससे बड़ी प्रेरणा क्या होती है। हमें बस इतना करना है कि अपनी रुचि, अपने पैशन के अनुसार कुछ चीजों को चुनना है और उसे नियमितता से करना है। मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हर पीढ़ी के महानुभावों से आग्रह करूंगा,
तय कीजिए कि आप दूसरों की कैसे मदद करेंगे, क्या देंगे, अपना समय, अपनी नॉलेज, फिजिकल हेल्थ, कुछ भी लेकिन कीजिए, जरूर कीजिए। साथियों, मुझे भरोसा है देशवासी फिट इंडिया मूवमेंट से ज्यादा जुड़ते रहेंगे और हम सब भी मिलकर के लोगों को जोड़ते रहेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट दरअसल हिट इंडिया मूवमेंट भी है, इसलिए जितना इंडिया फिट होगा उतना ही इंडिया हिट होगा। इसमें आप सभी के प्रयास हमेशा की तरह देश की बहुत मदद करेंगे। मैं आप सबको शुभकामनाओं के साथ और आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज फिट इंडिया मूवमेंट को एक नया बल दें, नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। फिट इंडिया व्यक्ति समष्टि का एक पूरा सिलसिला चले, इसी एक भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।